हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज बनाने जा रहे हैं मोदक। एक कटोरी मैदा, एक कटोरी घी, एक छोटी कटोरी किसा हुआ खोपरा, एक छोटी कटोरी शक्कर, एक कटोरी पिसा हुआ खोपरा, एक कटोरी शक्कर, दोनों को चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद एक प्लेट लेंगे। एक प्लेट में एक कटोरी मैदा लेंगे, एक चुटकी नमक डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी डाल के आटा मांड लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से आटा मांड लेंगे। फिर से थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से आटा मांड लेंगे। फिर से थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और आटे को अच्छे से मसल लेंगे और मांडते जाएंगे। आजू बाजू को भी अच्छे से पोंछ लेंगे और फिर अच्छे से मालिश करेंगे और आटा मांडते जाएंगे। फिर आटे की 5 से 10 मिनट अच्छे से मालिश करते रहेंगे। आजू बाजू को पोंछ लेंगे जो भी लग रहा है अच्छे से, और फिर आटा मांड लेंगे अच्छे से। और हमारा आटा बनके तैयार हो चुका है। फिर आटे को फरसे पे डाल देंगे और हाथ से ऐसा लंबी लंबी करते रहेंगे। दोनों हाथों से अच्छी लंबी लंबी लोई बनाते जाएंगे। लंबी लंबी लोई बनाकर छोटी छोटी टुकड़ों में काट लेंगे। एक एक करके सभी काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। लोई को गोल गोल टुकड़ों में काटने के बाद एक एक लोई लेंगे, गोल गोल करते रहेंगे और हाथ से हमें दबाते रहेंगे। ऐसे ही सब लोई को कर लेंगे जल्दी जल्दी एक एक करके। सब लोई को चपट करने के बाद एक एक करके लोई को बेल लेंगे, गोल गोल शेप में बेल लेंगे। ज्यादा भी नहीं बेलेंगे, कम साइज में बेल लेंगे। गोल गोल शेप में बेलने के बाद एक चम्मच पिसा हुआ खोपरा और शक्कर डाल देंगे और उसे पैक कर देंगे। ऐसा सामने से उठा के मोदक के शेप में कर लेंगे। ऐसे एक एक करके सब मोदक बना लेंगे। सब मोदक बनाने के बाद एक कटोरी घी डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। घी गर्म हो जाने के बाद एक एक करके सब मोदक डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। सब मोदक डालने के बाद ऊपर से घी डालते हैं मोदक के ऊपर। एक ही साइड को 5 मिनट लो फ्लेम पे होने देंगे और अच्छे से घी डालते रहेंगे बार बार ऊपर से मोदक के ऊपर। ऐसे ही घी डालते रहेंगे और पलटाते रहेंगे धीरे धीरे। अब मोदक को ऊपर नीचे करते रहेंगे, अच्छे से घी के अंदर तल लेंगे मोदक को। ऐसे ही आराम आराम से मोदक को हिलाते रहेंगे, पर ध्यान देना आराम आराम से करना, मोदक फूटना नहीं चाहिए। आराम आराम से तेल डालते रहेंगे, घी डालते रहेंगे और हिलाते रहेंगे ऐसे ही। और हमारे मोदक अच्छे से तल चुके हैं। इसे एक प्लेट में खाली कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे मोदक बनके तैयार हो चुके हैं। खाने में एकदम टेस्टी बने थे।